यदि आपके पास बाइबिल आप मेरे साथ निकालें, प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 3 उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1-6 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, पतरस और यहून्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। 6वीं आयत, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं, और यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। आइए मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने एक नबुवतीय संदेश हमें दिया। प्रभु जी, हम बढ़ेंगे, हम फैलते चले जाएंगे, और आज हम मिलकर एक साथ फिर कहते हैं, हमारी हिंदी कलीसिया यीशु मसीह के नाम में बैंगलोर की एक बड़ी कलीसिया में तब्दील हो जाएगी। परमेश्वर का हाथ यहां पर होगा, ये कलीसिया बहुतों के लिए सहारा देने वाली होगी, छाया देने वाली होगी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके सेवक ने जो कुछ प्रचार किया हम विश्वास के साथ उस पर आमीन कहते हैं, और हम मिलकर दुआ करते हैं प्रभु जी, जब हम तेरे वचन से फिर मनन करें, आज तू अपने दिल को हमारे मध्य में उंडेलने पाए, आज तू हमारे दिल को हमारे मध्य में परमेश्वर उंडेल दे, और तू हमारे मध्य में जुम्बिश करने पाए, ताकि प्रभु हम तेरे हाथ को हम देखें, तेरे काम को हम देखें। फिर एक अच्छा संदेश सुनकर जाना नहीं चाहते, लेकिन हम जाना चाहते हैं परमेश्वर की आत्मा से भरकर, जाना चाहते हैं तेरे अभिषेक से भरकर, और प्रभु जी तू हमारी सहायता कर, ताकि हम सब मिलकर तुझ में बढ़ सकें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु के वचन में हमने यहां पर पढ़ा, और यह कहानी हम सब लोग भलीभांति जानते हैं, हमने गीत के रूप में अपने बच्चों को सिखाई होगी, हमने खुद भी ये कहानी सुनी होगी, और कई बार प्रार्थना में भी इस कहानी को लगातार आप और मैं क्या करते हैं, लगातार आप और मैं दोहराते हैं। और ये कहानी संक्षिप्त में ऐसे है, एक दिन पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं, और जब ये प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते समय मंदिर के बाहर एक फकीर बैठा हुआ है, अर्थात एक भिखारी बैठा हुआ है, और जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष से अधिक है। और बाइबल कहती है, जब पतरस और यहून्ना अंदर जा रहे थे, ये व्यक्ति पतरस यहून्ना से कुछ मांगने की आशा रखकर उनके तरफ दृष्टि करता है, और तब पतरस और यहून्ना कहते हैं, देखो सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है और वो ये है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और तू क्या कर, चल और फिर। हमने इस कहानी को सुना, लेकिन कई दिन पहले जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था प्रार्थना के साथ, परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे और इस कहानी से परमेश्वर ने मेरे दिल से बात करी, और मैं आज आपके साथ संक्षिप्त में उन बातों को बांटना चाहूंगा, और उसके बाद प्रभु के भक्त के साथ हम मिलकर प्रभु की मेज में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर आप और मैं एक चमत्कार को देखते हैं, और चमत्कार क्या है? चमत्कार ये है, एक जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति जो अपनी मां के गर्भ से लंगड़ा पैदा हुआ है, आप और मैं देखते हैं वो भीख मांग रहा था, और यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण वो क्या पाता है? चंगाई को पाता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बाइबल के किसी भी चमत्कार को उठा के देख लीजिए, जो लोग जन्म से अंधे थे, जो लोग जन्म से लंगड़े थे, जो लोग जन्म से किसी ना किसी व्याधि के साथ जो लोग पैदा हुए थे, आप एक विशेषता पाते हैं बाइबल के भीतर, और वो ये है, वे सब की सब भीख मांगने वाले थे। हम लोग देखते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 9 में, वहां पर एक अंधे के बारे में बताया गया है, उसके माता पिता थे, उसका अपना परिवार था, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है वो अंधा भिखारी लोगों से क्या करता है? भीख मांगता है, और यीशु मसीह उस भिखारी को क्या करते हैं? चंगा करते हैं। ध्यान दीजिए, उन दिनों की प्रथा ये है, उन दिनों की सोच ये थी, उन दिनों का मानना ये था, जब कभी परिवार में एक बच्चा किसी व्याधि के साथ पैदा होता है, या किसी दुर्बलता के साथ पैदा होता है, या किसी शारीरिक विकलांगता के साथ पैदा होता है, उनका मानना यह था ऐसे व्यक्ति को ईश्वर ने क्या कर दिया है?
त्याग दिया है, छोड़ दिया है। और उनके माता पिता भी ऐसे बच्चों को क्या करते थे, जन्म से वे लोग मंदिर के बाहर छोड़ देते थे, वे लोग गलियों के बाहर छोड़ देते थे। और उनका मानना यह था, जब ईश्वर ने इसको छोड़ दिया है तो फिर हमारी कोई इसके प्रति उत्तरदायित्व नहीं बनती। और वे लोग ऐसे बच्चों को बाहर की तरफ छोड़ देते थे, और उनका काम यह होता था वो आने जाने वालों से भीख मांगकर अपना क्या करते हैं, गुजारा बसर किया करते थे। और मैं विश्वास करता हूं ये जो अंधा है ये भी उस कहानी से अछूता नहीं है, ये जो अंधा है ये भी उस कहानी का एक चलपात्र है, और ये भी उस कहानी का एक भाग है जहां पर ये अंधा लंगड़ा पैदा हुआ था, और जन्म से ही वहां पर कुछ दिन के बाद वो बैठकर भीख मांगता है। लेकिन ध्यान दे, यहां पर मैं एक चमत्कार नहीं देखता हूं। जब मैं इस कहानी को पढ़ता हूं यहां पर मुझे एक चमत्कार दिखाई देता है, लेकिन जब इस कहानी को मैं ध्यान से पढ़ता हूं इस कहानी में मुझे दो बड़े चमत्कार दिखाई देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं जब कलीसिया के भीतर आते हैं हम सब उस चमत्कार के ऊपर ध्यान देते हैं जो दिखाई देता है। जैसे यहां पर लंगड़ा चला और हमने देखा लंगड़े की प्रार्थना के द्वारा वो ठीक हो गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उससे पहले भी एक बड़ा चमत्कार हुआ जिस चमत्कार ने इस चमत्कार को क्या किया, सक्षम किया। और वो चमत्कार क्या था, यदि बाइबल आप मेरे साथ देखें, लिखा है 3 अध्याय उसकी 1 आयत, पत्रस और यूहन्ना 3 पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। ध्यान दे भाई और बहनों, इससे पहले एक लंगड़ा चलता, इससे पहले परमेश्वर एक लंगड़े को उठाकर खड़ा करता। मालूम है परमेश्वर क्या चाह रहा था, परमेश्वर यह चाह रहा था 2 विश्वासी एक मन होकर क्या करना शुरू करें, चलना शुरू करें। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं जिस कलीसिया के भीतर विश्वासी एक मन होकर चलना शुरू करते हैं, जिस घर के भीतर परिवार के लोग एक मन होकर चलना शुरू करते हैं, जिस समाज के भीतर एक समाज एक मन होकर चलना शुरू करता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं वहां पर लंगड़े चलना चमत्कार की बात नहीं होगी, वहां पर लंगड़ों का चलना, अंधों का देखना आम वहां पर बात होगी। और इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और मेरी बहनों, इससे पहले आप एक चमत्कार देखें, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है आपको एक साथ चलने की जरूरत है। आज हम लोग प्रभु की मेज में शरीक होकर, आज हम में से बहुत सारे लोग अपने उपास को आज यहां पर खोलेंगे, और हम में से अधिकांश लोग प्रभु की मेज में शरीक होंगे। लेकिन आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, पता है क्या है, परमेश्वर चमत्कार करने वाला हां है, प्रभु लोगों को चंगा करता है, ये बात भी सही है, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर प्रसन्न होता है जब 2 लोग 2 विश्वासी एक मन होकर एक चित होकर कहां चलते गए, परमेश्वर के भवन में चलते गए, एक चित होकर परमेश्वर के भवन में बैठते गए, एक चित होकर परमेश्वर की इबादत करते गए। इसलिए आज इस दोपहर के समय हम मिलकर परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें संगति के लिए मदद करे, परमेश्वर हमें संगति के लिए परमेश्वर हमें कृपा देने पाए। एक कहानी है, काफी दिन पहले मैंने ही बनाई थी, मुझे मालूम नहीं मैंने बहुत जगहों पर इस कहानी को बोला है। और कहानी इस प्रकार से है कि एक बड़ी कलीसिया थी, और उस कलीसिया में 2 कलीसिया की बहनें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर गिर रही है कहानी, नहीं नहीं नहीं, ये नागपुर की बात कर रहा हूं, मैं यूपी की भी नहीं कर रहा हूं। तो कलीसिया में 2 बहनें थी, एक बहुत मोटी थी, मान लीजिए मेरी बहन होगी, और एकदम एक दुबली पतली एक थी। और ये दोनों बहनें कलीसिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, क्योंकि एक बहन प्रार्थना करने में महत्वपूर्ण है और दूसरी बहन क्या लेती है, संडे स्कूल चलाया करती है। और ये दोनों बहनें कलीसिया के लिए नींव के रूप में काम किया करती थी। हमारी कलीसिया में भी परमेश्वर ने कुछ बहनों को दिया, भाइयों को दिया, धन्यवाद। और एक दिन की बात है, पास्टर साहब ने कहा अगले क्रिसमस के समय हम लोग मिलकर साथ में खाना खाने जा रहे हैं, और सब लोग बहुत खुश थे, क्रिसमस का समय है और चर्च भी एकदम भर गया है, जो नहीं दिखता था वो भी आ गया है, कह रहे हम क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। और सब लोग जब क्रिसमस मना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तब ये दुबली पतली वाली बहन ने देखा ये मोटी बहन कोने में बैठकर अकेले क्या कर रही है, खाना खा रही। इस पतली वाली को मोटी वाली पे बड़ा प्यार आया, और इसने मोटी वाली के बगल में जाकर उसको धीरे से कोने से धक्का देकर कहा, आंटी आप थोड़ा और लीजिए ना, आप तो दुबली सी लग रही है, थोड़ा और खाइए। ये बोलकर ये पतली वाली वहां से आगे निकल गई। आगे जाने के बाद अब ये मोटी अपनी प्लेट की तरफ देख रही है और उस पतली वाली की तरफ देख रही है, इस प्लेट की तरफ देख रही है और उस पतली वाली की तरफ देख रही है, और अपने मन में कह रही है इसने किसी और से नहीं कहा खाने के लिए, इसने किससे कहा, सिर्फ मुझसे कहा। इसका मतलब ये है इसने ये कहा मैं मोटी हूं और मैं क्या करती हूं,
ज्यादा खाने वाली हूं। अब ये पतली वाली तो कहकर चले गए, लेकिन ये मोटी वाली, अब इसको चैन नहीं आ रहा है, क्योंकि मन के अंदर क्या घूम रहा है, मोटी मोटी मोटी। अब ये रात में सोने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन अचानक रात में खुल जा रही है, कानों में क्या आवाज गूंज रही है, मोटी मोटी मोटी। अब इसका गुस्सा बढ़ते जा रहा है, ये मेरी इज्जत को नहीं जानती, मैं पिछले 20 साल से कलीसिया की सदस्य हूं और ये लड़की जुम्मा जुम्मा चार दिन हुई है आकर, ये लड़की को चार दिन हुआ है, मैं 20 साल से आ रही हूं और इसने मेरी बेइज्जती करी, मुझे क्या कहा, मुझे मोटी कहा। अगले दिन ये मोटी बहन जो है चर्च में जाती, इतवार का दिन था और इसका चर्च के भीतर बैठने की एक खास इसकी जगह थी, है ना। कई जगहों पर आप देखेंगे, बेतल में ऐसा नहीं होता, लेकिन कई जगहों पर लोगों की खास जगह होती है, जान जाए पर जगह ना जाए, वहीं पर बैठेंगे आकर। और ये मोटी बहन की एक खंबे के पास एक जगह थी, मोटी सी थी, थोड़ा टेक के बैठती थी, और जैसे ही ये पहुंचती है, इसने देखा इसकी जगह पर कौन बैठा हुआ है, हाल में नया इसका एक दुश्मन बना, और कौन बना है, ये पतली वाली इसकी जगह पर बैठी है। अब पास्टर साहब कह रहे हैं आइए अपने हाथ को उठाएं, अब ये कैसे हाथ को उठाए, क्योंकि इसकी नजर कहां पर है, इसकी जगह पर है। अच्छा, कल मुझे मोटी कहा और आज मेरी क्या ले ली, जगह भी ले ली। अब पास्टर कह रहे हैं आइए हम प्रभु की तरफ ध्यान लगाएं, अब ये ध्यान ही नहीं लगा पा रही, क्योंकि इसका पूरा ध्यान, मन, अंदर सब कुछ कौन घूम रहा है, ये पतली वाली घूम रही है, अब इससे रहा नहीं जा रहा है। इस मोटी वाली का एक लड़का था, बहुत शरारती था, ये संडे स्कूल में उधर उधर भाग रहा था, ये पतली वाली ने जाकर उसके कान पकड़ लिए, बोला लड़के तू बहुत भागता है, मम्मी से शिकायत करूंगी। अब ये लड़का रोते हुए अपनी मम्मी के पास आता है चर्च के बाद, मम्मी ने पूछा क्यों रे आज का संडे स्कूल कैसा रहा, क्योंकि पता करना है पतली वाली क्या कर रही है। बोले मम्मी आज वो आंटी ने मेरे कान पकड़ लिए। मोटी वाली ने कहा दैया रे दैया, अब तक दुश्मनी मुझसे निकाल रही थी, मुझे मोटी कह रही थी, मेरी जगह ले ली, तभी मैंने प्रभु के नाम से उसको क्षमा कर दिया, लेकिन अब ये क्या कर रही है, मेरा गुस्सा किस पर निकाल रही है, इस मेरे बेटे पे निकाल रही है। अब इसको चैन नहीं आ रहा, अब इसके मन में बात आ रही है, अब ये कौन सी बात आ गई आपको मालूम है, अब बात आ गई है ईगो की, बात आ गई है, इसने मुझे निकालने की कोशिश कर रही है, मेरी जगह घुसना चाह रही है। अब क्या हो गया, ये मोटी वाली बहन थी, ये महिलाओं की एक फेलोशिप भी चलाया करती थी, और ये महिलाओं की फेलोशिप चलाने से पहले बोलती है देखिए मैं आप सबको एक प्रार्थना की विनती देना चाहती हूं। क्या विनती है, अरे ये पतली वाली पे आपने ध्यान दिया, नहीं नहीं आंटी नहीं देखा, ये बहुत शरारती हो गई है, इसने मुझे मोटी कहा। इस मोटी आंटी के तीन चार चेले चपाटी बहने थी, उन्होंने कहा आंटी आप कहां से मोटी लगते हैं, आप तो 120 किलो की हैं, बताइए आप कहां से मोटी लग रही है। नहीं 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 नहीं, उसने मुझे मोटी कहा। आंटी उसने इसलिए मोटी कहा, जरूर उसकी नजर में खोट है। अरे बेटा सही है, उसने मेरी जगह ले ली, मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूं, पादरी साहब को दिखाई नहीं देता, अब तो बात मेरे घर तक आ गई है, अब मेरे बच्चे के कान तक खींचे जा रहे हैं, कल मेरे खींचे जाएंगे, कल मेरे पति को कान पकड़कर घर से। देखिए क्या हो रहा है, क्या शुरू हो रही है, प्रार्थना मीटिंग। यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां तो सब लोग आते हैं सीधा आत्मा में भरकर अपनी आराधना करने लग, परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं। आप लोग अच्छे लोग हैं, अपने पर बिल्कुल मत लीजिए, मैं नागपुर की बात कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे प्रार्थना खत्म होते जा रही है, और क्या बढ़ते जा रहा है, वहां पर एक दल बदलते चला जा रहा है। कुछ दिन के बाद मालूम पड़ा पतली वाली को कि मेरे खिलाफ में इतना बड़ा षड्यंत्र, मैंने तो कुछ किया नहीं, खुदा जानता है मेरा जीवन कितना साफ है, खुदा जानता है मेरा जीवन कितना पाक साफ है, और खुदा जानता जानता बोल बोल के इसने भी चर्च के भीतर क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। अब ये दोनों आराधना के समय जब पास्टर साहब कहते हैं हमें इस तरीके से जीवन जीना है, तो ये वो लोग ज्यादा ताली बजाते, क्योंकि अरे आज पास्टर जी ने उसको गोली मारी है। अगर पास्टर साहब कहते हैं हमें प्रेम करने की जरूरत है, तो ये वाले ताली बजाते हैं। अच्छा आज पास्टर जी देख रहे थे उनके लिए वचन कह रहे थे, कोई ये नहीं कह रहा है कि आज पास्टर जी किससे बात कर रहे थे, परमेश्वर के वचन से, हमसे। अब ये एक दूसरे को मन में क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। धीरे धीरे बात बढ़ गई, पास्टर जी को मालूम पड़ी। अब ये दोनों, मोटी वाली बहन जाकर पास्टर जी के पास जाकर कहती है पास्टर जी एक बात बोले, आपको आज एक निर्णय लेना होगा, निर्णय ये है या तो आप पतली को रखिए या आप मुझे रखिए। और पतली वाली एकदम बेकार है तमाम प्रकार की। और पास्टर जी पता है क्या कह रहे हैं, बहन आप एकदम सही कह रही हो, आप एकदम सही कह रही हो, आप बिल्कुल सही हैं, आप तो 20 साल से हैं, वो उसको क्या है, वो तो कल कल की आई है, मैं तो बिल्कुल आपके साथ ही हूं। और पास्टर की पत्नी बाहर से खड़े होकर देख रही है, अच्छा पास्टर जी क्या बात कर रहे हैं।
कुछ देर के बाद ये मोटी का ग्रुप चला गया, ये पतली का ग्रुप आ गया, कहने लगे पास्टर जी अगर मोटी को रखेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। पास्टर ने कहा अरे आप क्या सोच रही हैं, आप ही तो हमारी चर्च की मेन है, मोटी तो कभी कभी आती है, उनको तो ठीक है जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन आप क्या हैं, आप एकदम सही है। पास्टर की पत्नी देख रही थी, पास्टर की पत्नी ने कहा इनको भी सही कहा, उनको भी सही कहा, और पास्टर की पत्नी आकर कहती है आप तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, आपने इसको भी सही कहा, उसको भी सही कहा, आप गड़बड़ कर रहे हैं। पास्टर ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा तुम भी सही कह रही हो, क्यों? क्योंकि मुझे दोनों चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब वहां पर बात यह अड़ जाती है, अगर वो रहेगी हम नहीं रहेंगे, वो रहेगी हम नहीं रहेंगे। और तब मोटी वाली ने एक काम किया, इसके पड़ोस में दूर में एक पादरी साहब से उनसे कहने लगे पास्टर जी आप आइए, मैं अपना घर प्रभु के भवन के लिए खोलती हूं, प्रभु ने मुझे बोझ दिया है, मैं जाकर परमेश्वर के घर अपने घर में एक चर्च शुरू करूं, परमेश्वर की इबादत शुरू करूं, आप आइए आराधना करिए। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, बिना कंसल्ट किए हुए वे लोग जाकर वहां पर आराधना करते हैं। और वहां पर क्या प्रार्थना हो रही है, वहां पर यह प्रार्थना हो रही है परमेश्वर ने हमें जो छोटा सा झुंड अलग करके दिया है परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं परमेश्वर कलीसिया परमेश्वर की देह है, कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं एक व्यक्ति हाथ तोड़कर ले गया, एक व्यक्ति पैर तोड़कर ले गया, एक व्यक्ति सर तोड़कर ले गया, और हाथ तोड़कर अब हम हाथ तोड़कर काटकर अलग रखकर अब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं आप इस हाथ को क्या करिए बढ़ाइए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं परमेश्वर यीशु कहता है तुम मेरा हाथ तोड़कर अब मुझसे ही प्रार्थना कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या करने पाऊं आशीष देने पाऊं। मेरे भाई मेरी बहन, लगभग 20-21 साल की सेवकाई में मैंने एक बात परमेश्वर के भवन में जाने से सीखी और वो ये है जिस किसी ने परमेश्वर के भवन को तोड़ने की कोशिश की उसके जीवन परिवार के ऊपर परमेश्वर का पीढ़ियों का श्राप आप और मैं देख सकते हैं। परमेश्वर ने आपको मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि अगर हाथ सर से अलग है तब भी हम मसीह यीशु में एक हैं। अगर हमारी सोच अलग है, अगर हमारा रूप अलग है, हमारी पृष्ठभूमि अलग है, हम अलग धर्म अलग जात अलग मतभेद से हम लोग आए हैं, लेकिन मसीह यीशु में आप और मैं एक देह किए गए हैं, एक शरीर किए गए हैं बेतलेजी के अंदर। अब यहां पर कोई धर्म नहीं, अब यहां पर कोई जात नहीं, अब यहां पर कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, अब यहां पर कोई गोरा नहीं कोई काला नहीं, अब यहां पर एक ही हमारी पहचान और वो पहचान ये है यीशु हम सब के लिए क्रूस पर मरा और उसके ऊपर देखने से आप और मैं शांति और जीवन को प्राप्त करते गए। आज इस सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं इससे पहले हम प्रभु के मेज में जाए, इससे पहले कि हम प्रभु की देह में से हम लेकर सहभागी हो, हम एक निर्णय लें। उसकी देह को जब हाथ में लेते हैं एक निर्णय आप और मैं लेने पाए प्रभु जी मेरे जीते जी मैं कभी भी किसी भी कलीसिया में फूट डालने वाला नहीं बनूंगा, लेकिन मैं उस कलीसिया को बनाने वाला बनूंगा। खुदावन मेरे जीते जी जब मैं तेरी मेज के सामने आया हूं, जब मैं तेरी रोटी को अपने हाथों से लेकर खुदावन खाता हूं, आज मैं तेरे साथ एक वादा करता हूं। मेरा वादा यह है मेरी आखिरी सांस तक तू मुझे जिस कलीसिया में रखेगा मैं उस कलीसिया में विश्वास योग्य बनकर रहने के लिए तैयार हूं। कोई मुझे पूछे ना पूछे मतलब नहीं है प्रभु जी, कोई मुझे जिम्मेदारी दे ना दे मतलब नहीं है, मुझे कभी मंच पर आने के लिए मौका मिले ना मिले मतलब नहीं है, लेकिन मैं तेरे शरीर का एक भाग बनकर अपने जीवन भर तेरा सेवक बनकर जीने के लिए तैयार हूं। कितने लोग इस बात पर आमीन कहना चाहेंगे। आइए हम प्रभु ने हमें जिस शरीर में रखा और हम इस शरीर को कभी तोड़ेंगे नहीं, हम इस शरीर में मैं आपसे बोलना चाहता हूं दिक्कतें हैं, कभी कभी हाथ में खुजली होती है तो दूसरे को खुजाना पड़ेगा, सिर में खुजली होती है तो उस हाथ को वहां पहुंचाना पड़ेगा, हाथ में चोट लगी है तो सिर को नीचे देखना पड़ेगा, लेकिन हम सब रहेंगे। लेकिन हमारा वादा यह है हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के भवन में हम लोग मिलकर रहने पाएंगे। सो यहां पर पत्रस और यूहन्ना के जीवन को जब मैं देखता हूं, इससे पहले वे एक लंगड़े को चलाते, उन दोनों का जीवन का निर्णय ये था हम लोग एक मन होकर चलेंगे, हम लोग एक दिल होकर चलेंगे, हम लोग एक मन होकर परमेश्वर के कहां जाएंगे भवन में जाएंगे। और ये लोग कहां जा रहे थे, बाइबिल कहती है ये लोग परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। दूसरी बात मैं देखता हूं ये पहली शताब्दी की कलीसिया है, पहले शताब्दी के चेले गए, इनके जीवन में पहली बात मैं देखता हूं ये है ये लोग एक साथ चलने वाले लोग हैं। दूसरी बात मैं देखता हूं और वो ये है इन दो सब के जीवन में कौन सा समय है, बाइबिल कहती है ये लोग तीसरे पहर
प्रार्थना के समय कहां जा रहे थे? मंदिर जा रहे थे। पहली बात, ये लोग एक मन के थे। दूसरी बात, इन लोगों के जीवन में प्रार्थना का क्या था? एक समय था, सब लोग बोलिए प्रार्थना का समय था। थोड़ा जोर से बोलेंगे प्रार्थना का समय था। एक और बार जोर से बोलेंगे प्रार्थना का समय था। आज बहुत सारे लोग हम में से लेट हो गए आने में, मैं समझ सकता हूं। सामने बहुत ट्रैफिक है, मैं भी बहुत जल्दी निकला था लेकिन लेट हो गया आने में। लेकिन हमारे यूपी में मैंने एक बात देखी है, और पता क्या है, अगर हमारा 12 बजे का चर्च है तो लोगों के दिमाग में ऐसी घड़ी फिट है, इसका मतलब यह कि वो 12 बजे अपने घर से निकलेंगे भले ही पहुंचने में 2 बज जाए। यहां ऐसा नहीं होता, मैं इसलिए मैंने कहा वहां की बात करूं। अगर एक भास्कर जी कहेंगे 1 बजे आना है तो हमारे दिमाग में पता नहीं कौन सी घड़ी फिट है कि हम ठीक 1 बजे कहां से निकलने की कोशिश करेंगे। कहां से? अरे आप लोगों को पता है क्या? लेकिन वहां क्या लिखा है? लिखा है उनका प्रार्थना का क्या था। एक समय था, एक यहूदी दिन में 3 बार मंदिर में जाके प्रार्थना करता है, सुबह के 9 बजे, दिन के 12 बजे और दोपहर के 3 बजे। वे लोग जाकर परमेश्वर की क्या करते हैं? इबादत करते हैं। मैं जल्दी आगे जाना चाहूंगा, उनका प्रार्थना का क्या था? एक समय था। और फिर वचन में लिखा है ये लोग प्रार्थना के समय कहां जा रहे थे? सब लोग बोलेंगे मंदिर में जा रहे थे। जोर से बोल सकते मंदिर जा रहे थे? आप लोग पीछे वाले भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, जोर से बोलेंगे मंदिर जा रहे थे। ये लोग मिलकर कहां जा रहे हैं? मंदिर में। पहली शताब्दी की कलीसिया के लोग कहां पर इकट्ठा होते हैं? अधिकांश लोग यहूदी मत से आए हैं, इसलिए ये लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं। जब तक कि यरूशलेम की कलीसिया के ऊपर बड़ा विद्रोह ना हुआ, ये लोग मंदिर में इकट्ठा होते थे। लेकिन ध्यान दे, हमारे लिए मंदिर की परिभाषा क्या है? हमारे लिए चर्च की परिभाषा क्या है? हमारे लिए मंदिर की परिभाषा ये नहीं है कि जहां पर ईंट और गारे से बनी हुई इमारत, नहीं। बाइबिल कहती है, हमारे लिए बाइबिल के अनुसार मंदिर की परिभाषा है जहां पर 2 या 2 से अधिक प्रभु के नाम से इकट्ठा है, उनके बीच में कौन होता है? परमेश्वर होता है। फिर आप पेड़ के नीचे मिलते गए, आप नदी के किनारे मिलते गए, लेकिन हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमें इतना अच्छा चर्च दिया, परमेश्वर ने हमें बैठने के लिए कुर्सी दी, परमेश्वर ने हमें सुंदर भवन दिया, और ये भी एक दिन की नहीं, कई सालों की मेहनत के बाद परमेश्वर ने अपने बच्चों को आशीष दी। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मंदिर क्या है? मंदिर जब तक आप और मैं यहां पर इकट्ठा नहीं होते हैं तब तक ये क्या नहीं होता? मंदिर नहीं होता है। तब तक ये क्या रहेगा? ये इमारत ही रहेगी। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आएंगे और आपसे ये भी कहेंगे, देखिए पास्टर जी ने कहा है कि जहां 2 या 2 से अधिक प्रभु के नाम से इकट्ठा है, आपको एक काम करने की जरूरत है, आप घर में से बैठकर प्रभु को याद करिए और प्रभु वहां पर क्या करेंगे? प्रभु वहां पर आ जाएंगे। कभी मिले ऐसे लोगों से? आप मिलेंगे कुछ दिन के बाद। चर्च जाने की क्या जरूरत है? अभी आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगी, जब धीरे धीरे आप पुराने हो जाएंगे, आपको संदेश मालूम पड़ने पड़ेंगे, आपको मालूम है प्रार्थना कैसे करते हैं, वचन क्या प्रचार करते हैं, धीरे धीरे शैतान आपके मन के अंदर एक बात लाएगा और वो ये है, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां हैं वहां बैठे रहिए, वहीं पर परमेश्वर क्या करता है? वहीं पर परमेश्वर आता है। भाई और बहनों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, पहली शताब्दी की कलीसिया का बड़ा गुण यह था, वे विश्वासी लोग एक जगह इकट्ठा होकर परमेश्वर की क्या करते थे? इबादत करते थे। आज हमारे लिए मंदिर क्या है? आज हमारे लिए बेतेल एजी चर्च आज हमारा मंदिर है, जहां पर आप और मैं इकट्ठा होकर, मैंने कहा यह इमारत है, लेकिन जिस समय आप और मैं इस इमारत के नीचे आकर परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं, उसी समय यह इमारत किसमें बदल जाती है? मंदिर के भीतर यह इमारत बदल जाती है। तो आज आप और मैं इस मंदिर में है, आज आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि आप और मैं एक निर्णय लें, और निर्णय यह है, कुछ भी हो जाए, इस मंदिर से कोई भी हमें क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। हम लोग मंदिर में जाएंगे, हम लोग इकट्ठा होंगे, हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की क्या करेंगे? आराधना करेंगे। मुझे अभी भी याद है जिस चर्च से मैं आता हूं, नागपुर शहर का, हमारा चर्च तो बहुत बड़ा था, बड़ा यानी 100 इतने ही लोग वहां पर थे, लगभग 200-250 के आसपास लोग वहां आया करते थे। और एक दिन की बात है, किरण करके एक परिवार था, एक लड़का था, उसके परिवार में 12-13-14 लोग थे, और वो परिवार जब आता था मालूम पड़ जाता था, क्योंकि इकट्ठा हुए लोग बैठते थे। और एक दिन की बात है, 1 महीना हो गया वो परिवार आया नहीं, मैं और मेरे एक मित्र थे, पास्टर मित्र, हमने कहा चलो जाके विजिट करते हैं। और हम दोनों जब विजिट करने के लिए गए, तब हमने देखा, इतवार के दिन की बात है, शाम के समय की बात है, जैसे किरण ने मुझे देखा, बोला अरे किशोर भैया आप आए, मराठी में बोला भाऊ माजा घर ही, हमारे घर आइए। मैंने कहा ठीक है। हम लोग वहां गए, उन्होंने चाय वाय पानी पिलाया, मैंने कहा ठीक है। कुछ देर के बाद मैंने किरण से पूछा, मैंने कहा किरण आजकल चर्च नहीं आ रहे हो? किरण मेरे से कहता नहीं नहीं सर चर्च नहीं आते। क्यों? नहीं 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 सर, हमने बहुत दिन पहले किसी ने हमारे घर में आकर प्रचार किया था, आपको चर्च जाने की जरूरत नहीं है, जहां आप इकट्ठा हो जाएंगे वही क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। अच्छा,
मैंने कहा क्या करते हो इतवार के दिन? कह रहे भैया हमने घर में आराधना शुरू कर ली है। मैंने कहा अच्छा क्या करते हो? कह रहे हम 7 बजे उठकर सब लोग मिलकर गाना गाते हैं, आराधना करते हैं। सच्ची बात बता रहा हूं। मैंने कहा प्रचार कौन करता है? कह रहे आपको मालूम नहीं है सवेरे सवेरे जॉइस में आकर प्रचार करती है टेलीविजन पर, हम लोग टीवी खोलकर पूरा घर बैठकर क्या कर रहा है जॉइस मेयर को सुनते हैं। थोड़ा मेरा मजाक की आदत है, मैंने उससे बोला ऑफरिंग उठाते हो? कह रहे हाँ भैया उठाते हैं। मैंने कहा वो इकट्ठा करके फिर क्या करते हो? भैया रात में हम चिकन बना के खाते हैं। मैंने कहा किरण, मैंने कहा बाकी? कह रहे भैया बाकी पैसा हम जॉइस मेयर को और जो भी टेलीविजन पर प्रचारक आते हैं ना हम उन सबको दे देते हैं। मैंने कहा किरण अच्छी बात है, एक बात पूछूं? बोले भैया बोलिए। मैंने कहा तुम्हारा विचार बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ नया मिलना सीखने के लिए। मैंने बोला किरण एक बात बताओ, कल जब आपके घर में अगर कोई मौत हो जाए कौन आएगा? किरण मेरी तरफ देखकर सर खुजा के कह रहा है भैया आप है ना। मैंने कहा किरण एक बात बताओ मैं क्यों आऊंगा? कल जब आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाता किरण कौन आना चाहिए? मैंने कहा किरण एक बात बताओ, तुम्हारा दशमांश तुम्हारा जो भी है तुम टेलीविजन प्रचारकों को भेजते हैं अच्छी बात है, लेकिन कल जब तुम्हारे घर में शादी है बहनी ही ना आएगा या कोई बड़ा प्रचारक आकर खड़ा होगा या तुम्हारी चर्च का लोकल पास्टर आकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और उसने बोला भैया आप आकर खड़े रहेंगे। फिर मैंने उससे बोला ध्यान दो, तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, तुम्हें अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। मेरे भाइयों मेरी बहनों यहां पर बैठे हुए लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग तरह तरह की विचार लेकर आएंगे, तरह तरह की फिलोसफी लेकर आएंगे, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है, परमेश्वर के सेवकों के साथ भक्तों के साथ आपको मुझे सहभागिता करने की जरूरत है, आपको मुझे संगति रखने की जरूरत है, आपको मुझे जीवन में निर्णय लेने की जरूरत है। और निर्णय यह है कुछ भी हो जाए चाहे भूकंप भी आ जाए परमेश्वर की आराधना से मुझे कभी कोई व्यक्ति अलग नहीं कर सकता, परमेश्वर की इबादत से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता, इतवार के दिन प्रभु के भवन में आने से कोई भी व्यक्ति मुझे अलग नहीं कर सकता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों आइए हम परमेश्वर के भवन की तरफ चले। बाइबल कहती है सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ ताकि तुम्हारे भंडार में किसी बात की भली वस्तु की घटी ना हो। मैं आपसे बोलना चाहता हूं आपका दशमांश आपकी भेंट आप जिस कलीसिया के हैं उस कलीसिया का है, उसके बाद अगर परमेश्वर आपको देता है आप किसी को भी दीजिए, लेकिन आपकी दशमांश आपका भेंट जिस भंडार के आप हैं जिस मंदिर के आप हैं उस मंदिर का है। तो यहां पर आप और मैं देखते हैं और वो ये है कलीसिया में पहली शताब्दी के चेलों के भीतर आप पर मैं एक बात पाते हैं और वो ये है वे लोग लगातार प्रार्थना करने वाले हैं। वे लोग मैंने कहा लगातार इकट्ठा होते हैं, एक साथ मिलकर चलते हैं, प्रार्थना का उनका एक समय है और मंदिर में ये लोग क्या करते हैं लगातार इकट्ठा होते हैं। अब ध्यान दीजिए मैं जल्दी से अपने संदेश को अगले 3-4 मिनट में बंद करना चाहूंगा, लेकिन यहां लिखा है ये दोनों ही मंदिर में नहीं जाते, बाकी के चेले मंदिर में नहीं जाते, लेकिन यहां पर एक और व्यक्ति मंदिर में जाता है और वो कौन है? क्या नाम है उसका? लंगड़ा। सब लोग बोल सकते हैं लंगड़ा भिखारी, जोर से बोल सकते हैं लंगड़ा भिखारी। ये तीनों मंदिर में जाते हैं। सुनिए ये लंगड़ा भिखारी क्या करता है? ये मंदिर में क्या ये अंदर जाता है? क्या लिखा है यहां पर? क्या ये अंदर जाता है? नहीं। ये कहां जा बैठता है? ये मंदिर के फाटक के पास एक सुंदर नामक द्वार कहलाता है उसके पास बैठता है। ध्यान दीजिए मंदिर में जाने के लिए 7 दरवाजे थे अलग अलग प्रकार, हेरोदेस का दरवाजा सुंदर फाटक है, डंक दरवाजा है, अलग अलग भीड़वाद भीड़ अलग अलग दरवाजे को आप और में देखते हुए हमारा विषय नहीं है। उन 7 में से एक दरवाजा है सुंदर नामक दरवाजा, और इसका मतलब यह है चेले जो थे इस सुंदर नामक दरवाजे से क्या करते गए? आना जाना करते गए। ध्यान दीजिए और मैंने कई बार इसको इस तरीके से पढ़ा है, प्रचार भी किया, सुना भी है कि चेले मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और ये लंगड़े से उनकी मुलाकात होती है और यीशु मसीह के नाम से चेले लंगड़े को क्या करते हैं? चंगा करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए मैं इस कहानी को दूसरे तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगा। एक दिन जब मैं इस कहानी को ध्यान से पढ़ रहा था एक विचार मेरे दिल के अंदर आया, एक और पॉसिबिलिटी है इस तरीके से शायद यीशु ने उनको चंगा किया, और वो पॉसिबिलिटी क्या है? ध्यान दीजिए यहां लिखा गया अध्याय 3:2 लिखा है और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर क्या करते हैं? बैठाते हैं। ध्यान दीजिए ये लंगड़ा कब आता है मंदिर में? एक बार आता है, दो बार आता है, क्या कहां क्या लिखा वहां पर? हफ्ते में 3 बार आता है? नहीं, कितने बार आता है? सब लोग जोर से बोलिए प्रतिदिन।
जोर से बोलेंगे प्रतिदिन, एक और बार जोर से प्रतिदिन। और चेले कब आते हैं मंदिर में? एक बार, दो बार, कब आते हैं? चेले मंदिर में आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ये सब लोग प्रतिदिन मंदिर में क्या होते थे? प्रतिदिन। उसके 45, उसकी 46 आयत, प्रेरितों काम किताब 2:46 लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में क्या होते थे? इकट्ठा होते थे। सब लोग इधर देखिए, लिखा है लंगड़ा भिखारी प्रतिदिन मंदिर में आता है, चेले प्रतिदिन कहां पर जाते हैं? मंदिर में इकट्ठा होते हैं। ध्यान दीजिए, अगले मैंने कहा 2-3 मिनट में अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा, इस कहानी को मैं दूसरी तरीके से देखता हूं और मेरा नजरिया यह है, प्रतिदिन ये लंगड़ा भिखारी मंदिर में बैठता है, प्रतिदिन ये दोनों चेले मंदिर में जाकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन ये सुंदर नामक फाटक के पास से ही ये लोग जाते हैं, प्रतिदिन ये सुंदर नामक फाटक के पास, इसकी अपनी एक जगह बनी हुई है, उस जगह के ऊपर ही ये व्यक्ति बैठकर लोगों से क्या मांगता है? भीख मांगता है। इसका मतलब ये है, जहां तक मैं इस बात को समझता हूं, प्रतिदिन वाले शब्द के कारण एक बात मुझे समझ में आती है और वो बात ये है, कहीं ना कहीं पर मैं विश्वास करता हूं और मुझे समझ में आता है ये प्रतिदिन वहां जाकर बैठता है, प्रतिदिन ये लोग मंदिर में जाते हैं, मैं जहां तक समझता हूं ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं? थोड़ा सा पहचानते हैं, क्योंकि भिखारियों की आदत है, आप एक बार मना करेंगे वो दूसरे दिन थोड़ी मानेंगे, उनका काम है, आप दूसरे दिन मना करेंगे उनका तीसरे दिन मांगना काम है। तो मैं जहां तक समझता हूं और वो ये है, प्रतिदिन जब ये लोग मंदिर में जाते हैं, ध्यान दीजिए, लगभग एक दिन में 3 बार ये लोग जाते हैं, 1 महीने में 90 बार ये लोग जाते होंगे, और जितने बार ये जाते हैं उतने बार इस व्यक्ति से मुलाकात होती है। और मैं सोचता हूं जाते समय मुलाकात होती है, आते समय मुलाकात होती है, दिन में 6 बार ये लोग एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं। और याद रखिए, दिन में 6 बार ये व्यक्ति उनसे क्या मांगता होगा? भीख मांगता होगा। जहां तक मैं समझता हूं इस कहानी को, मुझे लगता है पतरस और यूहन्ना इस अंधे, इस लंगड़े व्यक्ति से वहां पर पहली बार उसके साथ रूबरू नहीं हो रहे हैं, पहली बार उसके साथ मुखातिब नहीं हो रहे हैं, उससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन मैं इस तरीके से कल्पना करता हूं, मैं इस तरीके से अपने मन में इस कहानी को सोचता हूं, और कहानी ये है, मैं विश्वास करता हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब पतरस और यूहन्ना हर दिन मंदिर में जाते हैं, हर दिन इस लंगड़े भिखारी को देखते हैं, हर दिन ये लंगड़ा भिखारी जबरदस्ती कुछ मांगता है, मैं सोचता हूं जब पतरस और यूहन्ना अंदर मंदिर में जाते समय, शायद कभी पतरस ने यूहन्ना से कहा होगा, यूहन्ना तूने देखा एक लंगड़ा भिखारी हर दिन हमसे भीख मांगता है? यूहन्ना भी कहता होगा भैया आप सही कह रहे हैं, और पतरस कहता होगा देखो यूहन्ना उसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, अगर वो यीशु के नाम से चलने लगे तो परमेश्वर की कितनी अधिक महिमा हो जाएगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं जहां तक विश्वास करता हूं और इस वचन को समझता हूं, यहां पर साफ रीति से नहीं लिखा है, लेकिन मेरा विश्वास ये कहता है प्रतिदिन इस लंगड़े भिखारी से इनकी मुलाकात होती है, ये लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और मैं ये भी विश्वास करता हूं प्रतिदिन ये लोग इस लंगड़े भिखारी के लिए भी बैठकर मंदिर में क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज इस सुबह के दोपहर के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, पास्टर साहब ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, आप लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये क्या है? ये आप एक वृक्ष तैयार कर रहे हैं, और फल देना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। पतरस और यूहन्ना प्रतिदिन मंदिर में जाके क्या कर रहे हैं? एक वृक्ष को तैयार कर रहे हैं। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाके हर दिन क्या करते हैं? उस लंगड़े भिखारी के लिए कहते हैं प्रभु के नाम में वो चलने पाए, उठने पाए, परमेश्वर तेरी कितनी महिमा होगी। एक वृक्ष तैयार हो रहा है, लेकिन एक दिन का समय है, वे सवेरे मंदिर में जा चुके हैं, और फिर परमेश्वर का वचन कहता है वे तीसरे पहर वे फिर मंदिर में जा रहे हैं। सुबह के समय जा चुके हैं, 12 बजे जा चुके हैं, अब ये तीसरी बार ये फिर मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं। और आपको मालूम है इस समय क्या होगा? मैं इस तरीके से कल्पना करता हूं, लंगड़ा भिखारी मंदिर के बाहर बैठा है और कुछ मांगने की चेष्टा कर रहा है, और ये दोनों की दोनों मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन हर दिन के समान ये लोग आज मंदिर में नहीं जा रहे हैं, हर दिन जैसे मंदिर में जाते थे उस मनसा के साथ आज नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पर इनके भीतर एक आग भीतर जल रही है, और वह आग क्या है? वो आग है जो वृक्ष तैयार किया था प्रार्थना का, उसका फल आज ये दोनों मिलकर देखने जा रहे हैं। और ये भीतर जाते समय, जब ये लोग अंदर जाते समय, अचानक ये लंगड़ा भिखारी फिर उनकी तरफ देख कर कहता है कुछ तो दे दो आज,
और तब पतरस और यूहन्ना कहते हैं, न सोना है न चांदी है, लेकिन मैं उसको दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं, पतरस और यूहन्ना उसकी तरफ देखकर कहते हैं, न सोना हमारे पास है न चांदी हमारे पास है, लेकिन प्रतिदिन परमेश्वर से मांगकर प्राप्त की गई चंगाई हमारे पास है। यीशु नासी के नाम में उठ और चल और फिर। आज इस दोपहर के समय आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर का वचन बहुत लोगों से बात करने पाए, आज परमेश्वर का वचन आपके दिलों को उजागर करने पाए, झकझोरने पाए, और आज परमेश्वर आपसे कहता है, अपनी प्रार्थनाओं को बंद मत कर, अपने पति के लिए अपनी प्रार्थनाओं को बंद मत कर, अपने बच्चों के लिए अपनी प्रार्थनाओं को बंद मत कर, अपने घर के लिए अपनी प्रार्थनाओं को बंद मत कर, अपने भविष्य के लिए अपनी प्रार्थनाओं को बंद मत कर, क्योंकि तू एक वृक्ष बना रही है, वृक्ष बनाना तेरा काम, फल देना सेनाओं के यहोवा का काम। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कई बार फल बनाना हम खुद चाहते हैं, कई बार हम अपने आप फल तोड़कर हम बनाना चाहते हैं। नहीं, परमेश्वर कहता है, वृक्ष बनाना तेरा काम, फल लगाना मेरा काम। क्या आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया अपने दुकान के लिए? आपको लग रहा है पास्टर जी खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं होगा, अब मैं जो परिस्थिति में मैंने समझौता कर लिया। मेरी माओ, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या आपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया? पास्टर जी वो शराब पीता है, बुराई में फंसा हुआ, कभी बदल नहीं सकता। नहीं, परमेश्वर विश्वास योग्य है तेरे बच्चों को तेरे आंसुओं के कारण उठाकर खड़ा करने के लिए। क्या आपने अपनी दुकान के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया? क्या आपने जो सपना देखा था, पति पत्नी ने मिलकर एक दिन बैंगलोर शहर में हमारा एक घर होगा, एक दिन हमारे गांव में हमारा घर होगा, और आपको लगता पास्टर जी आमदनी पेट भरने की हो नहीं पा रही, हमने घर के सपने को डब्बे में डालकर रख दिया? नहीं मेरे भाई और बहन, अगर तू प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए तैयार है, एक दिन परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर तुझे एक बैंगलोर शहर के भीतर एक घर देने के लिए विश्वास योग्य है। यदि तू विश्वास करने के लिए तैयार है, लोग कहेंगे तेरा बच्चा नालायक है, लोग कहेंगे तुम्हारा परिवार यहीं पर खत्म हो जाएगा, लोग कहेंगे तेरा बच्चा कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है, तेरी प्रार्थनाओं के कारण मैं उसको उठाकर खड़ा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। प्रार्थना करना मेरा काम, लेकिन प्रार्थना में फल को देना मेरे परमेश्वर का काम। पता हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम यह है, हम में से अधिकांश लोग पता कहां हार जाते हैं, हम लोग, मैं बोलना चाहता हूं, हम लोग लंबी दूरी तय कर देते हैं, लेकिन जहां पर फिनिशिंग पॉइंट होता है, उसके कुछ देर पहले हम में से 99% लोग दम तोड़ देते हैं। मैं काफी साल पहले एक कहानी पढ़ रहा था, स्वीडन में एक बहुत ऊंचा पर्वत था, लोग पर्वतरोही उस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते थे, और वहां पर एक स्पॉट था जहां पर आकर हर व्यक्ति हार जाता था, बहुत लोग वहां से गिर के मर चुके थे, और वहां पर इस तरीके का एक बोर्ड लगा हुआ था, इसके उस पार कोई गया नहीं और कोई जा नहीं सकता। और इसलिए लोगों ने भी बोला, भैया इसके उस पार जाने की सोच लो, क्योंकि कोई गया नहीं, कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन एक लड़का था, उसने बोला, कोई गया नहीं तो क्या हुआ, मैं तो कोशिश कर सकता हूं। और वो उस पुराने मनोवृत्ति को तोड़कर, उस विचारधारा को तोड़कर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, और जैसे ही 2 मिनट ऊपर चढ़ता है, तब मालूम पड़ता है सिर्फ 2 मिनट ऊपर चढ़ने की देरी थी, उसके बाद अगले 5 मिनट जब पर्वत को पार करना है, अब चढ़ने की जरूरत नहीं है, अब वो आराम से पैदल क्या कर सकता है, जा सकता है। तब लोगों को मालूम पड़ा, जहां पर अधिकांश लोगों ने दम तोड़ दिया, वास्तव में उसके बाद पहाड़ चढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, उसके बाद क्या करने की जरूरत थी, चढ़ने की जरूरत थी, लेकिन लोगों का मन कहां बंद चुका था, यह पहाड़ कोई पार नहीं कर पाएगा। आज हमारे अलग अलग मन बन चुके होंगे, ये कभी सुधर नहीं पाएगा, ये कभी अच्छा हो नहीं पाएगा, मेरा पति का बिजनेस कभी ऊंचा हो नहीं पाएगा, मैं गरीब पैदा हुआ हूं, गरीबी में मर जाऊंगा, मेरे कभी अब मेरे सामने एक उज्जवल भविष्य हो नहीं पाएगा, मेरे साथ किसी का नहीं हुआ, मेरे खानदान में परिवार में तो मेरा भी नहीं हो पाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज परमेश्वर का वचन तुझसे कहता है, तेरी प्रार्थना तेरे उस नहीं हो पाएगा की मानसिकता को तोड़कर हो पाएगा मैं बदलने के लिए विश्वास योग्य है, हो सकता है बदलने में विश्वास योग्य परमेश्वर के। लोग कई बार मेरे से पूछते हैं, मैं यहीं पर अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा, लोग कई बार मेरे से पूछते, पास्टर किशोर आप प्रभु की सेवा में कैसे, आप उद्धार में कैसे आए? मुझे याद है मैंने कहा, कई बार मैंने यहां पर शेयर किया,
कक्षा दसवीं में पढ़ता था, स्कूल जा रहा था, रास्ते में पैंट फट गया। लड़के लड़की साथ में पढ़ते हैं, मुझे बहुत शर्म आई। मैंने अपने छोटे भाई से बोला, अनूप तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर वापस जा रहा हूं। उन दिनों में मैं बेकरी में काम करता था, सवेरे 6:30 बजे बेकरी में जाता हूँ, 11:30 बजे तक काम करता था। मेरा छोटा भाई बैग लेकर आता है और फिर मैं बैग लेकर सीधा बेकरी में जाता हूँ, स्कूल बैग लेकर माफ करना बेकरी में आता है 11:30 बजे, मैं सवेरे 6:30 बजे बेकरी जाता हूँ, भाई दोपहर में आता है, वहां से मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल पढ़ने के बाद दसवीं में था और 5:30 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी होती है, 6:00 बजे मैं डायरेक्ट बेकरी में आता हूँ, घर नहीं जाता हूँ। और मुझे अभी भी याद है, इसी तरीके से चलते समय एक दिन स्कूल जाते समय रास्ते में पैंट फट गया। मैंने अपने भाई से बोला, अनूप तू कैसे भी आ जाना, मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ। मुझे बहुत शर्म आई, साथ में लड़के लड़की पढ़ते थे, मैं घर पर वापस आता हूँ, मेरी माँ सिलाई करती थी, मैंने कहा माँ मुझे नया पैंट चाहिए। माँ ने बोला, किशोर ये दे मैं सिल देती हूँ। वो एक तरफ से सिलती है, दूसरे तरफ से फट जाता है, दूसरे तरफ से सिलती है, तीसरे तरफ। मैंने बोला, माँ इतना सिला हुआ तो मैं पहन के नहीं जाऊँगा, मुझे नया पैंट चाहिए। माँ ने बोला, बाजार में पूछ करा, मेरे घर के पास इतवारी करके एक स्टेशन है, मैं वहाँ जाता हूँ, पता किया मार्केट में और वहाँ मालूम पड़ा 50 रुपये की कीमत है। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे 50 रुपये चाहिए। माँ ने बोला, किशोर नहीं है 50 रुपये। मैंने कहा, माँ मुझे चाहिए, अगर नहीं हो तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मेरी माँ ने घर छान मारा, मेरी माँ पड़ोसियों के पास गई, मेरी माँ रिश्तेदारों के पास गई और किसी ने 50 रुपये नहीं दिया। वह दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, उसके बाद मैंने कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा। फिर बाद में गया था परीक्षा देने के लिए, कैसे भी टीचर के हाथ पैर जोड़कर एग्जाम लिखा, लेकिन फिर मैं फेल हो गया। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन मैं निराश हो गया। मुझे लगा मेरे पास अगर 50 रुपये नहीं है, अगर 50 रुपये होते तो आज मैं भी स्कूल पढ़ पाता, मैं भी आगे बढ़ पाता। और मुझे अभी भी याद है, मेरी माँ इस पैसे नहीं जुगाड़ कर पा रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे घर के पास में कलकत्ता रेलवे लाइन जाती है, नागपुर शहर जहां का मैं रहने वाला हूं, मैं उस रेलवे पटरी के पास जाकर लेट गया, आंख बंद करके लेट गया और मैं अपने मन में कहने लगा, कोई हमें नहीं बचा सकता, गरीब पैदा हुए हैं, गरीब एक दिन मर जाएंगे, दूसरों के यहां बर्तन साफ करते हुए जिंदगी बिताएंगे, ऐसा ही खत्म हो जाएगा। मेरे मित्रों ने मुझे देख लिया, मैं पटरी के ऊपर लेटा हुआ, मेरे कुछ दोस्त लोग दौड़कर आए, बोले यहां क्या कर रहा है। मैंने कहा, मैं अपने आप को खत्म करने आया हूं। मैंने कहा, मेरे पास कोई भविष्य नहीं, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं। मेरे मित्र लोग मुझे जबरदस्ती घर पर लेकर आए, कहने लगे, मेरी माँ से बोलने लगे, आंटी हमने किशोर को रेलवे पटरी के पास से लेकर आए। मेरी माँ मेरे तरफ देखकर कहती, किशोर तू क्यों मरना चाहता। मैंने कहा, माँ मर कर जी कर कोई फायदा नहीं है, अगर मेरे पास 50 रुपये होते मैं आज भी स्कूल में पढ़ सकता था। उस समय तक हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे। इन्हीं दिनों में जब ऐसी परिस्थिति से हम लोग होकर जाते समय, किसी ने मेरी माँ को यीशु के बारे में बताया। शाम के समय वो घर में जाती है जहां पर आराधना चल रही थी और उस दिन का प्रचार था, यीशु मसीह अनाथ कंगाल विधवाओं का परमेश्वर है। और उस वचन को सुन के मेरी माँ अपने जीवन को यीशु मसीह को उद्धार करता जान के स्वीकार करती है। और उस दिन वो ये प्रार्थना करती है, अगर तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु जी, मैं भी तेरे साथ विश्वास योग्य रहूंगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। सब लोग विश्वास में आ गए, मेरी बहन मेरे भाई सब लोग आ गए, लेकिन मैं विश्वास में आने के लिए तैयार नहीं। मुझे यीशु का नाम सुनने से नफरत आती है, मुझे पास्टरों को देखने से दिल में नफरत आती है, क्योंकि मेरे को बचपन से यही सिखाया गया था, ये तो अंग्रेजों का ईश्वर है, ये तो अमेरिका वालों का ईश्वर है, और जो पादरी होते हैं ये इनके एजेंट होते हैं, इनका काम है कि जितने लोगों का आप धर्मांतरण करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। मुझे नफरत थी पासवानों से, नफरत थी चर्च के नाम से। लेकिन मेरी माँ ने एक काम करना बंद नहीं किया, आपको मालूम वो क्या है, वो मेरे लिए लगातार प्रार्थना करती रही। वो जब कभी किसी मीटिंग में जाती, चर्च में जाती, सामने बैठती, शुरू से आखिरी तक रोती और लोग कई बार पूछते आंटी क्या हो गया, और वो कहती मेरे बेटे के उद्धार के लिए प्रार्थना करो, सब विश्वासी हैं, वो विश्वास करूंगा नहीं करूंगा कहता है, वो प्रभु के नाम से नफरत करता है। एक साल बीतने के बाद, उन दिनों में मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूं, अपना बेकरी में 24 घंटे बोल रहा हूं, पूरा समय बेकरी में काम करता हूं। एक दिन की बात है, मैं अपनी बेकरी में काम करके शाम के समय लगभग 12 बजे घर पे वापस आता हूँ। उन दिनों में हम लोग झोपड़ी में रहा करते थे। मैं जैसे ही देखता हूँ दरवाजा खुला हुआ है, घर के भीतर आया, मैंने देखा माँ भाई बहन सब सोए हुए हैं, अंधेरे में दिया जल रहा था, मैं खाना लेता हूँ, खाना खा के सो गया। और सोने के बाद मुझे आज भी याद है, अच्छे से याद है वो रात, लगभग 2:30 और 3 बजे के आसपास की बात है, मैंने समय घड़ी नहीं देखा इसलिए मुझे टाइम याद नहीं है, 2:30 और 3 बजे के आसपास की बात है। मैं महसूस करता हूँ जैसे कोई व्यक्ति जोर जोर से चीख चीख कर रो रहा है। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं, बेकरी में दिन भर काम के इसलिए। कुछ देर के बाद मैं महसूस करता हूं कुछ पानी मेरे चेहरे के ऊपर टिप 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 करके गिर रहा है। मुझे लगा ये पानी रात में कहां से गिरा, मुझे लगा शायद झोपड़ी में रहते इसलिए पानी कहीं से गल रहा होगा। और मैं अपनी आंख खोलकर देखता हूं, ईश्वर आज भी इस बात का साक्षी है, वो पानी नहीं
वो मेरे मां के आंसू उसके चेहरे पर से टप टप करते हुए मेरे ऊपर गिर रहे हैं और मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रही है, मैं लेटा हूं मेरे उद्धार के लिए, मेरी मोक्ष के लिए। वो प्रार्थना करके सोने के लिए चले गई, वो सोने के लिए चले गई, लेकिन यहां पर मुझे रात में नींद नहीं आ रही है। मेरे पाप मेरी आंखों के सामने, मेरे पापों का हिसाब मेरी आंखों के सामने है। एक तरफ मेरे पाप, दूसरे तरफ पाप से छुटकारा देने वाला मुक्ति दाता परमेश्वर का नाम। मैं रात भर सो नहीं पाया। सवेरे 4 बजे मेरी मां प्रार्थना करने के लिए उठती गई। जब वो प्रार्थना कर रही थी आंख बंद करके, मैं उसके सामने घुटने पर आ गया। मैंने अपनी मां का हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा, मां मेरे उद्धार के लिए प्रार्थना करो, मैं एक पापी इंसान हूं। मेरी मां ने बोला, किशोर क्या हो गया? मैंने कहा, मां मुझे मालूम नहीं क्या हो गया, लेकिन जब रात में तू मेरे ऊपर सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रही थी, उन आंसुओं ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। आज से मैं तेरे परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। मैं विश्वास करता हूं, अगर मुझ जैसे एक पापी को, मुझ जैसे कठोर दिल के इंसान को अगर मेरी मां के आंसू बदल सकते हैं, दुनिया में परमेश्वर किसी के भी बेटे को बदल कर रख सकता है। अगर परमेश्वर मेरे जैसे परिवार को बदल सकता है, परमेश्वर आप जैसे घराने को, किसी को भी बदलने के लिए विश्वास योग्य है। उसे प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारी, परमेश्वर से प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारी, लगातार प्रार्थना करते रही। पतरस और यूहन्ना ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें मालूम था जिस परमेश्वर के ऊपर उन्होंने ईमान रखा, उनका परमेश्वर उन्हें प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। और एक दिन लंगड़ा भिखारी चलने लगा। और आज इस दोपहर के समय आइए हम परमेश्वर के साथ एक निर्णय लें। तेरे भवन से कोई मुझे कभी अलग नहीं कर सकता, तेरी फेलोशिप से कोई मुझे कभी अलग ना करने पाए। और प्रभु जी, मैं लगातार प्रार्थना करूंगा, अनुग्रह दे। आइए मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। इससे पहले मैं परमेश्वर के हाथ में समर्पित करूं, प्रभु के दास के हाथ में दूं, मैं चाहता हूं कि उन्हें अपने जीवन को हम आप और मैं एक और बार खंगाल लें, एक और बार आप और मैं अपने जीवन को देखें। आप हार चुके हैं। आज दोपहर के समय प्रभु का वचन आपसे कहता, हार मत बेटा, थोड़ी सी दूरी पर और तुझे चलना है, और तेरा चमत्कार तेरा इंतजार कर रहा है। आप थक चुके गए, प्रभु कहता है थोड़ा सा और चल, तेरा चमत्कार तेरा इंतजार कर रहा है। कल प्रभु के भक्त ने प्रचार किया, एलिया पेड़ के नीचे बैठकर कहता मुझे प्रभु उठा ले, प्रभु कहता थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा आराम कर, थोड़ा भोजन कर, मैं तुझे ऐसे नहीं उठाऊंगा, अगर मैं तुझे उठाऊंगा तो इतिहास बनाऊंगा, ना तुझसे पहले कोई ऐसे उठाया गया, ना तेरे बाद उठाया जाएगा, मैं तुझे जगनी में रथ के साथ मैं तुझे उठाऊंगा। थोड़ी देर और हिम्मत रख ले, आज प्रभु का वचन आपसे कहता है थोड़ी देर और प्रार्थना में लगा रह, थोड़े समय और तू सहले, थोड़े दिन और कदम बढ़ाकर आगे की ओर चल, हिम्मत मत हार, तेरा चमत्कार तेरा इंतजार तेरा कर रहा है, तेरा चमत्कार तेरा इंतजार 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 कर रहा है। लेकिन थोड़े दिन और प्रार्थना में हिम्मत मत हार, थोड़े समय और प्रार्थना में हिम्मत मत हार, तेरा चमत्कार तेरा इंतजार कर रहा है। जब हम प्रभु की मेज में शरीक होते हैं, आइए हम उससे आज ये प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं एक और बार निर्णय लेती हूं, निर्णय लेता हूं, जिस देह में तूने मुझे रखा है, जिस भवन में तूने मुझे रखा है, बेतेले जी भवन में तूने मुझे रखा, तेरे भवन में खुदावन, जब मैं इस रोटी को लेती हूं, मैं लेता हूं, यह प्रतिज्ञा करता हूं परमेश्वर, मैं कभी इसको धोखा नहीं दूंगा, इस भवन के साथ खुदावन में जुड़ा रहूंगा जब तक तेरा अनुग्रह मुझ पर है। दूसरी बात, आइए हिम्मत ना हारे, थोड़ी देर और मेहनत करें, थोड़े दिन और, थोड़ा समय और आपका चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है, आपका चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी मरी हुई प्रार्थनाओं को फिर से जिंदा करने के लिए विश्वास चुकी हूं। कहां आप थक चुके हैं? क्या बच्चे के ऊपर, पति के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर, क्या आपने हार मान ली है?
और आज प्रभु कहता है थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, हालेलुया, थोड़ी देर और। मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। हमें अनुग्रह दे और हमें तू सिखा कि हम एक साथ चलने वाले हो। खुदावन हमें अनुग्रह दे कि हम तेरे भवन का सम्मान करने वाले हो। और प्रभु जी तू हमें कृपा दे, हम प्रार्थना में कभी हार नहीं मानना चाहते, हम लगातार अपने चमत्कार को देखना चाहते जैसे पतरस और यूहन्ना ने किया, और एक दिन जैसे लंगड़ा चलने लगा। खुदा अनुग्रह दे, कृपा दे, प्रार्थना में बने रहने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।